नगर निकाय के दूसरे चरण के मतदान के दौरान कई पोलिंग बूथों में अव्यवस्था नजर आई। खासकर नगर निगम के वार्ड क्रमांक 11 में जमकर फर्जी वोटिंग और हंगामे की स्थिति बनती रही। इसका कारण ये रहा कि दूसरे वार्ड के निवासी कांग्रेस प्रत्याशी के पति की गुंडई, जिनके द्वारा प्रत्याशियों को धमकाने के लिए सैकड़ों की संख्या में असामाजिक तत्वों को एकत्र किया गया था। इतना ही नहीं बल्कि पोलिंग बूथ के पास ही कई संदिग्ध वाहन खड़े थे जिनमें 2 नंबर प्लेट लगाई गई थी और कांग्रेसी प्रत्याशी के पति और उनके समर्थकों के द्वारा महिला प्रत्याशियों को धमकी दी जा रही थी, जिसकी शिकायत करने पर मौके पर पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन, कलेक्टर मनोज पुष्प पहुंचे तो प्रत्याशियों ने शिकायत की है। प्रत्याशियों ने पुनर्मतदान की भी इस दौरान मांग की। आपको बता दें कि सैकड़ों की संख्या में पोलिंग बूथ के चारों ओर असामाजिक तत्वों ने डेरा जमा रखा था, जिसके चलते कई बार मतदान प्रभावित हुआ। आइए दिखाते हैं स्थल का दृश्य और सुनाते हैं प्रत्याशियों ने क्या शिकायत की और क्या आरोप लगाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज। हाँ जाइए ना, जाइए। 5:30 लेकिन कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी यहाँ पे मौजूद नहीं है, वोट डाल के यहाँ से निकला। आप शब्द भी पक रहे हैं और आप शब्द पक रहे हैं, गलत से बात कर रहे हैं महिलाओं को और कुछ साथी अंदर पार्षद पति है विनोद शर्मा। हर टाइम पे कहते हैं, कहते हैं आप वार्ड नंबर 11 से निकल जाओ। अंदर घुसे थे, अंदर घुसे थे और अंदर जाके वोटिंग कराते थे। मैंने बोला आइडेंटिटी कार्ड के साथ वोटिंग कराइए। अरे आप भी बोलो ना, आप भी बोलो। 15 से 20 फर्जी मतदान करा सकते हैं, मास्क करा अंदर है ना। कोरोना काल में उन्हें मास्क के लिए सुविधा नहीं थी और यहाँ नहीं मैं तो मास्क लगा के आ रहे हैं। मांग करिए ना, अभी काउंटिंग हो रही, वोटिंग हो रही। फेस कवर करके आ रहे थे, ये मतलब है वोटिंग पर्ची उन्हें कराई है। ज्यादा नहीं सर, 15 से 20 हाँ जा, हुई है। अब आप उस डिसाइड कर लीजिए क्या करना है, क्योंकि उन्हें फर्जी सीधी में कराया आईडी अनिवार्य कर दी तो उस पर भी चिड़ गया वो। क्या अनिवार्य जा रहे हैं वाले ना। एसपी साहब आए थे, आपने शिकायत की है, क्या मामला था? शिकायत ये था कि उन लोग जो वोटर स्लिप थी उसमें नाम फोटो स्पष्ट नहीं थी, तो वो क्या करते थे कि वो कहते थे आईडी की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि उसमें आप सिटी कोड में अगर आपकी फोटो है तो आपको आईडी लेके आना पड़ेगा। वो इस चीज को नहीं मान रहे थे कांग्रेस प्रत्याशी। और जब हम लोग विरोध करते हैं तो विरोध करने में वो लूज टॉकिंग से बात करते हैं और कहते हैं कि वार्ड नंबर 11 विनोद शर्मा नहीं जानते हो और वार्ड नंबर 11 छोड़ के चले जाओ ऐसा बोलते हैं। ये कोई तरीका है? कई बिना पत्रक के बिना एजेंट बनाए भी लोग घुसे हुए थे अंदर, वो भी धमकी दे रहे थे बहुत ज्यादा। वो खुद यहाँ से पकड़ के महिलाओं को जेंट्स को लेके जाके फर्जी वोट डलवाते हैं और हमने टाइट किया, जब बोला तो फिर एक बार एक्शन हुआ। लेकिन आप ये कि आप काफी सही हो गया। क्या लग रहा था कि वोटिंग से डर है, डर के कारण सभी दबाव बना रहे थे? सीधे कि वो फर्जी वोटिंग पूरी प्लानिंग कर रहे थे। अभी जिला निर्वाचन अधिकारी आए, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम एक्शन लेंगे, बोले बहुत ज्यादा एक्शन लेने के लिए बोला है, बोले उसको बंद करो।